नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में किया ध्वजारोहण, स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। 17 अगस्त को सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे अग्निपथ योजना का गुरुद्वार में शुभारंभ। यूके SSSSE पेपर लीक का मास्टरमाइंड हाकम सिंह बीजेपी से 6 साल के लिए हुआ निष्कासित। भारत मजदूर संगठन ने निकाली मुख्य बाजार में तिरंगा रैली, यमुनोत्री विधायक भी रहे मौजूद। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उत्तराखंड में भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले कैंट स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण करते समय सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही सभी कर्मचारियों और शासन प्रशासन के लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। भर्ती घोटाले में एसटीएफ द्वारा मामले का भंडाफोड़ करने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसटीएफ की टीम को सम्मानित किया। इस अवसर पर एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के साथ साथ उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है, भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में हो वो किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस पर पूरी तरीके से पारदर्शिता अपनाई जाएगी। किसी के कितने भी लंबे हाथ हो, एक एक को हम बेनकाब करेंगे। एक एक को जब तक हम पकड़ नहीं लेते, बेनकाब नहीं कर देते, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, हमारी नियत और नीति दोनों ही साफ है, स्पष्ट है। भ्रष्टाचार चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर उसका टॉलरेंस नहीं होगा। इस पर बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जाएगी। कोई भी किसी के कितने भी लंबे हाथ हों, और इसकी हम तह तक जाएंगे, जब तक एक एक को नहीं पकड़ लेंगे, एक एक को जब तक बेनकाब नहीं कर लेंगे, तब तक हम अभी इस पर शांत नहीं होने वाले हैं। ये कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। इसके साथ साथ यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य को लेकर हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। उनके भविष्य की हमें चिंता है, इसलिए परीक्षाएं भी होती रहें, उनका समय जाया न हो, उस पर भी हमारा विशेष फोकस है। और हर दृष्टि से हमारे छात्र और छात्राओं का, परीक्षार्थियों का कोई अहित नहीं होने देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रभाकर मिश्रा ने ध्वजारोहण करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान CISF के जवानों ने तिरंगे झंडे को सलामी दी। ध्वजारोहण के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी और सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे। बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है। बहुत से जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद करने का, उनको नमन करने का दिन है। और सही मामले में सारे युवाओं को जागृत करने का, देश भावना की जागृत करने का दिन, वो खुशी का दिन। क्या उपलब्धियाँ सर इस एक साल के दौरान? एक साल के नई बिल्डिंग हमारी इनॉग्रेट हो गई है, जिससे हमारी 10 गुनी क्षमता बढ़ गई है। हमारे पास अपहरण की सुविधा बढ़ गई है, 20 पार्किंग भी तैयार हैं, और डेली हम कुछ कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं। चुनौतियाँ वाइल्ड लाइफ की हमने बताया, बर्ड हिट की घटना है, उसके लिए हमने वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को दे दिया है, हमने कॉन्टैक्ट दे दिया है, उनका सर्वे शुरू हो गया है, वो हमें रिपोर्ट बना के देंगे, उस पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। दूसरे, हमारे पास जगह की कमी है, जिसके लिए स्टेट अथॉरिटी हमें निरंतर वो सहयोग कर रही है और 244 एकड़ लैंड दे रही है, फ्यूचर डेवलपमेंट भी करेंगे। भविष्य में सर किस तरह से एयरपोर्ट आगे? ये बहुत बड़ा इसका फ्यूचर है। उत्तराखंड का एकमात्र कैपिटल सिटी में जो बड़ा एयरपोर्ट है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की संभावना है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत कोटद्वार में गढ़वाल मंडल के युवाओं के लिए 19 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है, जिससे पूर्व 17 अगस्त को उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को कोटद्वार में ही लॉन्च किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती की व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतुभूषण खंडूरी ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 17 अगस्त को उत्तराखंड के लिए कोटद्वार में अग्निपथ योजना को लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए एक वृहद स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में और मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में अग्निपथ योजना का शुभारंभ करेंगे। आप लोग सब जानते हैं कि एक योजना अग्निवीर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, और उसकी पहली भर्ती गढ़वाल की जितने हमारे जिले हैं उनकी 19 तारीख को कोटद्वार में होने जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि पहली भर्ती जो है वो 19 तारीख से शुरू हो रही है। 17 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे कोटद्वार में आकर इस
योजना को लॉन्च करेंगे। आपको बताते हुए मुझे खुशी भी है कि 70,000 के करीबन रजिस्ट्रेशन बच्चों ने कर दिए हैं। कोटद्वार में किसी तरह की दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगी। जो हमारे अफसर हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि बच्चों की देखभाल ठीक से हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन रहे, और जो वहाँ पे बहुत सारी हमारी संस्था हैं वो भी भोजन रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं आप सब से निवेदन करूँगी कि 17 तारीख को कोटद्वार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अग्निवीर का जो लॉन्च होगा उस पर आप सब आमंत्रित हैं और आप सब पधारें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर लगातार उंगलियां उठ रही है और पेपर लीक मामले में आयोग सुर्खियों में बना हुआ है। यूके SSSS पेपर लीक मामले में अन्य लोगों के नाम भी संदेह के घेरे में है, जिसकी पड़ताल जारी है। इसी बीच बीते दिन पेपर लीक मामले की कड़ियां जोड़ते हुए एसटीएफ ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि एसटीएफ पेपर लीक मामले में अभी तक 18 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। उत्तरकाशी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह लगातार एसटीएफ की रडार पर था। पहाड़ों की रानी मसूरी में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी में सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी पुलिस अधिकारी और जवानों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। संस्कार भारती द्वारा आयोजित 15 अगस्त पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव को मनाते हुए रामनगर के प्राथमिक विद्यालय में आज सुबह 6 बजे शहर के नागरिकों द्वारा वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम हुआ। वंदे मातरम के स्वरों से पूरा प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण देश में हो गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रामनगर के लखनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में संस्कार भारती का वंदे मातरम गायन का आयोजन हुआ। ये जो कार्यक्रम था संस्कार भारती की तरफ से आयोजित किया गया था, तो दरअसल 1947 15 अगस्त के दिन सुबह 6:30 बजे पहली बार आकाशवाणी से वंदे मातरम गायन का संपूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ था। इस गायन में उसी के भव्य पुनःस्मरण के लिए यह कार्यक्रम आज यहाँ पर पूरे देश भर में आयोजित किया गया था, जिसका एक भाग रामनगर लखनपुर हाई स्कूल भी था। तो इसी उपलक्ष में यह कार्यक्रम था। यहाँ पर काफी लोगों ने यहाँ पर सहभागिता की। ये 75वां वर्षगांठ है, जिसे हम अमृत वर्ष भी कह सकते हैं। इसलिए हमारे जवान जो भी हैं, पूर्व सैनिक जो जितने भी हमारे रामनगर के हैं, उनके पूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये अमृत उत्सव को मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर जो समय अभी किया गया था, सभी लोग एकत्रित हुए, मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक बार आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमान पाठक जी का, जो यहाँ पर ओमकार ठाकुर जी द्वारा आकाशवाणी पर आज प्रस्तुत ऐतिहासिक वंदे मातरम गायन का भव्य पुनःस्मरण हुआ है। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर वंदे मातरम कर उनकी याद में जो कार्यक्रम यहाँ किया, सभी लोग धन्यवाद के पात्र दिए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ और आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। एक तरफ जहां हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है, वहीं सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैंने रिकॉर्ड बनाया है साइकिलिंग का, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास में सबसे यंगेस्ट साइकिलिस्ट जाने का। मेरी यात्रा मनाली से शुरू हुई हिमाचल प्रदेश और मैंने एंड करी है वो उमलिंगला लद्दाख में। उमलिंगला दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है 19,024 फीट पे, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट बेस कैंप आता है उससे भी ऊपर पे। वहाँ ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है, खाना पीना रहना ये सब दिक्कत है। इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने पेरेंट्स को करूँगा और अपने सभी घर वाले और नागरिक कल्याण मंच हमारा जी। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार सुबह 11 बजे से भारत मजदूर संगठन उत्तरकाशी के द्वारा यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में कुमराड़ा से गेमला तक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें संगठन के कुशल मजदूर महिलाओं और पुरुष भारत मातर वंदे मातरम के जय घोष के साथ अपने निर्धारित गणवेश में हाथों में तिरंगा लेकर सम्मिलित हुए। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारा अभिमान है। मेरा हर भारतवासी से ये निवेदन है कि हम इस तिरंगे की आन बान शान के लिए कभी भी पीछे ना आते, और इसके लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े तो हमें इसके लिए सर सब अपना देना चाहिए। और मेरा जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमारी जी यमुनोत्री विधानसभा में आज लगातार हमने तिरंगा रैली का आयोजन किया, और हमारे सभी से क्योंकि तिरंगा हमारी
देश की आन और बान और शान है, हमें इसके लिए हमेशा अपना सब सौंप देने के लिए तैयार रहना चाहिए, यही मेरी सबसे विनती है और प्रार्थना है। विधायक जी, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो है क्षेत्रीय लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? मेरा अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहना है कि अब हमें 15 अगस्त को एक संकल्प लेना है कि हमें अपने क्षेत्र के लिए पार्टी लाइन से हटकर हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक होना है, और इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना होगा, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उनके मजदूरों से और भारत के मजदूरों से की ओर से आज हमारा जो आज़ादी 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे मजदूरों के पूरे भारत पूरे उत्तराखंड के मजदूरों की तरफ से ढेर ढेर बधाई, और शहीदों को मनन करते हुए आज हम लोगों ने भी ये प्रण ले लिया है कि जो हमारे पूर्व जो शहीद थे उन लोगों ने किस प्रकार से हमारे हम उन लोगों को आज़ादी दिलाई, और हम उनका नाम हजारों हजारों वर्ष तक कोरा चलाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड में पैणी एरास मोटर मार्ग पर खलियासैंण तोक भूस्खलन के कारण जहां मकानों को खतरा बना हुआ है, वहीं यहां सुरक्षा दीवार बनाने की बजाय ठेकेदार द्वारा अंदर की तरफ कटिंग करने से मकानों को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जोत सिंह रावत और आनंद सिंह रावत ने बताया कि यहां पर 6 परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, वहीं ठेकेदार द्वारा उनके मकान के नीचे से जा रही सड़क को अंदर की तरफ खोदा जा रहा है, जिससे आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बड़ी ही हैरानी की बात है कि ठेकेदार द्वारा जबरन यहां कटिंग की जा रही है तो ठेकेदार के लोग धमका रहे हैं। ऐसे में यहां रहने वाले परिवारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लंडोरा मदरसे में जमीयत उलेमा ए हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रियासत अली ने बच्चों को तिरंगा झंडे वितरित किए। मदरसे के बच्चों को तिरंगा झंडा वितरित करते हुए मुफ्ती रियासत अली ने कहा कि सरकार की ओर से पैगाम आया है, हर घर तिरंगा लहराया जाए। उन्होंने कहा कि कौमी तिरंगा झंडा है, हम अपने तिरंगे के लिए बुलंदी की दुआ करते हैं। ये हमारा 75वां जश्न यौम आज़ादी है। इस मुबारक मौके पर हमारी सरकार की तरफ से सारे मुल्क के बाशिंदों के लिए पैगाम आया है कि हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। तो ये हमारा कौमी तिरंगा झंडा है, हम इसकी बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। हमारी मस्जिदों में मदरसों में इसके लिए दुआ होती है, और ये हमारा कौमी त्यौहार है। कौम से मुराद है भारत के बाशिंदे, हिंदुस्तान में बसने वाले सब एक कौम हैं। तो दारुल उलूम देवबंद में भी वहाँ के मरकज़ी मकामात पर कल से झंडा तिरंगा लहरा रहा है, और जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दारुल उलूम देवबंद की तरफ से तमाम मुल्क के बाशिंदों को और मदरसे चलाने वालों को और स्कूल चलाने वालों को ये हिदायत की गई है कि वो अपने स्कूल पर अपने मदरसों पर अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। यही पैगाम यही संदेश हमने अपने मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को दिया है। नगर पंचायत लंढौरा की तरफ से झंडे जो तकसीम किए गए हैं तो बहुत से घरों पर झंडे लहरा रहे हैं, बहुत से बच्चों के घरों पर झंडे नहीं मिल सके, तो हम लोगों ने झंडे फराहम किए और झंडे बच्चों में तकसीम किए हैं जिनके घरों पर झंडा नहीं पहुंचा नगर पंचायत की तरफ से, ताकि वो भी अपने घर पर झंडा लगाएं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विकासखंड मुंसियारी में तमाम विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बस स्टेशन, थाना बैंड हॉस्पिटल लाइन, शास्त्री चौक चौराहे से लेकर मेन मार्केट होते हुए भारतीय स्टेट बैंक शाखा तक जबरदस्त झांकियां निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने शानदार झांकियां का लुत्फ उठाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तरकाशी के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि आगामी 17 अगस्त को यहां बटर फेस्टिवल का भी आयोजन होगा। बटर फेस्टिवल के अध्यक्ष मनोज राणा ने बताया कि जहां बटर फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं, वहीं आज यहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज अमृत महोत्सव के उत्सव पर 75वीं वर्षगांठ पर दयारा बुग्याल में जहाँ 11,500 की हाइट पर यहाँ पर वन गुजरों और स्थानीय छानी जो हमारे यहाँ पर स्थानीय जो लोग अपने पशुपालन के साथ रहते हैं और हमारे जितने भी वन विभाग के कर्मचारी तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। आज यहाँ पर हमने झंडारोहण किया
और इतिहास ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है कि पहली बार इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर, जहां कल से हम दूध मक्खन मठा के अद्भुत होली वाटर फेस्टिवल का आयोजन भी यहां पे होना है, और ये पहली बार हुआ हमारे जितने भी आज तक हमने इतिहास में वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया है, ये दयारा बुग्याल में पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक उत्सव मनाया गया। आज 75वीं वर्षगांठ पर हमने यहाँ ध्वजारोहण किया है और तमाम यहाँ पर हमारे साथी लोग उपस्थित रहे। मैं देश के तमाम लोगों को शुभकामनाएं, इस पर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस यहाँ इतनी 11,500 की हाइट से बोल रहा हूँ कि मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए कल दयारा बुग्याल में 17 अगस्त को उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी पधार रहे हैं, और ऐतिहासिक क्षणों की पहली बार कोई मुख्यमंत्री इतनी ऊंचाई पर और बटर फेस्टिवल के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरे क्षेत्र में एक उत्साह है और पूरे क्षेत्र में लग रहा है कि मुख्यमंत्री के आने से निश्चित ही क्षेत्र में कहीं चार चांद लगेंगे, और जो हमारा बटर फेस्टिवल, जो हमारा पारंपरिक त्यौहार है, हमारे बुजुर्गों से मनाते आ रहे हैं हम, इसको निश्चित इस पर भी चार चांद लगेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री जी और हमारे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री जी और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनका लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, माननीय सुरेश चौहान जी यहाँ पर कल पहुंच जाएंगे और परसों सुबह यहाँ पर 11 बजे बटर फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और अपनी प्रकृति के देवता भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत से कि आप इस सुख समृद्धि के जो हमारा त्यौहार है बटर फेस्टिवल, इसके आयोजन में इस क्षेत्र के तमाम लोगों में सुख समृद्धि रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग परसों यहाँ पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम लोग यहाँ पहले ही आ चुके हैं, इसकी तैयारी चल रही है और आज ये 75 वर्षगांठ पर पहली बार इतिहास में 11,500 की हाइट में तिरंगा लहरा है, तिरंगा फहराया गया। एक बार पुनः सबको बधाई देता हूँ, जय हिंद जय भारत। जनपद बागेश्वर में भी आजादी के दिवस को महोत्सव के रूप में जिले के सभी लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। बागेश्वर मुख्यालय के स्थानीय नुमाइश मैदान में आयोजित आजादी की वर्षगांठ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बागेश्वर में आयोजित प्रशासनिक कार्यक्रम में स्थानीय स्कूली बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी को एकता का संदेश दिया। हर उस व्यक्ति को जिसने देश की आजादी में अपने प्राण की आहुति दी, आज अगर हम आजाद भारत दिवस में खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये उन लोग की देन है। और मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, लगातार उनके नेतृत्व में 2014 से 2022 तक 8 साल के उनके कार्यकाल में देश ने वो उपलब्धि हासिल करी है जिसका सपना कभी हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने, हमारे वीर प्रिय गाथाओं ने देख सोचा था। आप देखिए किस तरीके से तिरंगा, हर घर तिरंगा की जो बात उन्होंने कही, पूरे देश को एकत्रित करने की बात कही, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वो सब आज अपने घर के ऊपर एक तिरंगा लेके अपने घर पे तिरंगा लगा रहे हैं। और जहाँ तक आपने हेमवती नंदन बहुगुणा जी की बात करी, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की, जो उनकी सोच थी उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड जब 2000 जब वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने पर्वतीय मंत्रालय अलग से गठन किया था उत्तराखंड के लिए, ये सोचकर उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका विकास अलग रूप से देना चाहिए, इसकी पॉलिसी अलग होनी चाहिए, इसका विकास अलग तरीके से होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि जो उनकी सोच थी उस पर माननीय मोदी जी और माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी लगातार काम कर रहे हैं, और किस तरीके से युवाओं को, किस तरीके से हमारी मातृशक्ति को, किस तरीके से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम से दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की गंगा बही जाए, किस तरीके से उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उस पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। एक सपना था मेरे दादाजी का कि उत्तराखंड जो है वो सशक्त बने, उत्तराखंड आगे बढ़े, और उसको किसी की यूपी जैसे स्टेट से अलग होने का उत्तराखंड की जो लड़ाई थी वो इसीलिए थी कि उसकी खुद की एक पहचान हो, उसकी पर्वतीय क्षेत्रों की विकास हो। और मुझे लगता है कि दादाजी का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो सपने पर काम किया। जनपद उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक इलाके में ईट धनारी गांव के युवा कई बार कच्ची शराब के खिलाफ गांव में लगे जंगलों में छापेमारी कर चुके हैं, फिर भी कच्ची शराब बनाने वाले माफिया हर बार गांव के युवाओं और आबकारी विभाग की टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो जाते हैं। इसी अगस्त महीने में 4 बार गांव के नवयुवक मंगलदत्त जंगलों में मौजूद इनके ठिकानों पर छापा मार चुके हैं, लेकिन शराब माफिया अलग अलग पहाड़ों पर बैठकर देखते हैं और किसी के भी आने से पहले अपना तामझाम छोड़कर मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। दरअसल उत्तरकाशी जनपद के डुंडा ब्लॉक के ईट धनारी गांव के नवयुवक मंगलदत्त सदस्य जगमोहन सिंह चौहान, आशीष चौहान, आजाद रावत, सूरज सिंह और आबकारी विभाग के निरीक्षक महेंद्र सिंह चौहान आज भी जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी के निर्देश के बाद ईड और खोलिया गांव के जंगलों में कच्ची शराब बनाने वाले माफिया के ठिकानों पर पहुंचे। मौके पर भट्टी के ऊपर कच्ची शराब का ड्रम मौजूद था और नीचे चूल्हे की आँच भी ठीक ठाक थी। आग की तेज आँच पर खोल रहे लाहन को आबकारी विभाग और नवयुवक मंगलदल की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इसके उपरांत उन्होंने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान कर सभी पदक विजेताओं को बधाई दी।
जहां आजादी के अमृत महोत्सव की पूरे देश में धूम मची है, वहीं एक ढाई साल के नन्हे देशभक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देहरादून के ग्रास फार्म बड़ोवाला में रविंद्र सोनाली सेमवाल के ढाई साल के बेटे मृदुल की उम्र भले ही कम हो, लेकिन देशभक्ति का जज्बा ऊंचा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। मृदुल के मामा नवीन प्रमाण ने बताया कि जब से नन्हे मृदुल ने फौजी ड्रेस पहनी है तब से वो बहुत ही खुश है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।